मैया ने गोद में लिया। माली बोला है कि हे माँ, अगर तू बेटा को इस प्रकार से याद रखेगी तो बेटा की थोड़ी देर में लहस खराब हो जाएगी। इस बेटा को यहाँ से ले जा। मैया के पास में कुछ नहीं था। मैया ने आधी साड़ी फाड़ी और बेटा के ऊपर कफन के रूप में डाल ली। आज वो मैया लेकर के अपने लाल को चली। लेकिन भैया ध्यान रखना, जब पहुंची है आधी रात का वक्त है। महाराज हरिश्चंद्र ने देखा, आवाज लगा दी, कौन हो तुम? तारा टूटे हुए स्वर में बोली है, महाराज मैं आपकी पत्नी हूं। इतनी रात में यहां क्या करने आई हो तारा? जवाब दिया, महाराज हमारा पुत्र मर चुका, मैं इसे दफनाने के लिए लेकर के आई हूं। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, तारा अगर आप बच्चे को दफनाना चाहती हो तो पहले मुझे कर दे दो। तारा ने कहा, महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, साड़ी थी एक हमारे पास, वो आधी कफन के रूप में डाल ली, आधी से अपनी लज्जा को ढके बैठी हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, तारा जब तक आप हमें कर नहीं दोगी तब तक मैं बेटे को बिल्कुल नहीं दफनाएंगे। मैया तारा रो करके बोली, महाराज लल्ला अकेलो मेरो ही नहीं है, महाराज जलल्ला में तुम्हारा भी हिस्सा है और महाराज अरे शेत गर्भ में रहो नींद भर सोयो रे
जवाब दिया, महाराज इस बेटा को दफना दो। हरिश्चंद कहने लगे, रानी तारा याद रखो उस दिन की जब आपने हमारे घड़ा को नहीं उठवाया था। तुमने कहा था कि अगर घड़ा उठवा देंगे तो धर्म चला जाएगा। हे तारा, वही धर्म की बात हमारे सामने भी आ रही है। अगर मैं बेटे को दफना देंगे तो हमारा धर्म चला जाएगा। मुझे कफन दे दो, मुझे कर दे दो। तारा ने कहा, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूं कफन के रूप में आपको। और महाराज, ये पुत्र केवल हमारा नहीं, ये पुत्र तो तुम्हारा भी है। महाराज ने जवाब दिया कि हे तारा, आप मुझे कफन पर कर दे दो, मैं और कुछ नहीं जानता। रानी तारा कहने लगी, महाराज ये पुत्र केवल मेरो नाए है, तभी थोड़ो हिस्सा तमाऊ है प्रभु, इस बच्चे को दफना दो। अगर मेरे पास केवल आधी साड़ी है, वो साड़ी भी आपको दे देंगे, फिर मैं अपने सर को किससे ढकूंगी। महाराज मैं अपने शरीर को किससे ढकूंगी, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। महाराज कहने लगे, तारा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कर और कफन दोनों चाहिए। तारा बोली, महाराज